हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आपका अपना फेवरेट चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारा एक चैप्टर पूरा फिनिश किया था, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आज हम इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर पे आ रहे हैं। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई को मजाक में मत लीजिएगा। पढ़ाई बहुत ही सीरियस होके बहुत ही मन लगा के करिएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे चैप्टर्स लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे, आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करनी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, बट वो मेहनत जब तक रंग नहीं लाएगी जब तक पेपर में आप खुद अच्छे से नहीं लिखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। और वैसे पहले दो पेजेस में यही समझाया गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस रहेगा। नॉर्मल आदमी, लेमैन आदमी, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करता है। वो दोनों को एक जैसा ही समझता है। वो ये कहेगा यार तेरी तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, या वो ये कहेगा यार तेरी तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब उसके हिसाब से ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक तरीके से सेम यूज है, जबकि रियलिस्टिक में ऐसा होता नहीं है। ग्रोथ बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ कहीं पे भी कोई भी कर सकता है, जबकि डेवलपमेंट करने के लिए आपको बहुत स्किल, बहुत एनर्जी, बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। इसलिए ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के साथ साथ जाके समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। वैसे तो ग्रोथ की बहुत सारे डेफिनेशंस है, मैंने मेरे हिसाब से दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपके लिए लिखी है, जिसके अंदर सबसे पहली वाली डेफिनेशन बहुत सही है कि ग्रोथ का मतलब होता है नेशनल इनकम। तो जो भी नेशनल इनकम है, राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स, अगर आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में इंक्रीज हो रही है या अगर आपके नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। यानी कि ग्रोथ एक तरीके से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पे ज्यादा बिलीव करता है। उसके हिसाब से अगर नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो ग्रोथ है। किसके नंबर्स? दो नंबर्स, या तो इनकम के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ है, या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो वो ग्रोथ है। जबकि सच में ऐसा काम का नहीं है। ये इतना अच्छा, जितना सिंपल दिख रहा है उतना अच्छा नहीं है कि खाली नेशनल इनकम बढ़ने से ग्रोथ हो रही है या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ग्रोथ हो रही है, वैसा नहीं है। तो ग्रोथ की कुछ लिमिटेशन है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, नंबर्स पे फोकस कर रहा है। सो ग्रोथ के लिमिटेशंस क्या है कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ क्या नहीं कर पा रहा है? क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा है। वो सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है वो चेक कर रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है वो चेक कर रहा है, बट वो ये भूल जा रहा है कि उसके कारण लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। साथ ही में ये लोगों के वेलफेयर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, इसलिए उसके लिए वेलफेयर आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। देयरफॉर ग्रोथ इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे काम का कॉन्सेप्ट आ गया डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट क्या होता है, देखो बच्चा लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वो हमारे खुद के नोट्स है। आपका सारा का सारा नोट्स मटेरियल मोस्टली टेक्स्टुअल किताबों में से ही बनाया गया है, क्योंकि गुजरात बोर्ड में टेक्स्ट बुक के बाहर के कॉन्टेंट्स के मार्क्स देते नहीं है। अगर आपके पास हमारे नोट्स नहीं है, आप हमारी वेबसाइट से पीडीएफ कॉपी खरीद सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नोट्स आपके सामने अवेलेबल है, आप खुद अपने नोट्स बनाना चाहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटी पे भी ध्यान देता है और क्वांटिटी पे भी ध्यान देता है। डेवलपमेंट दोनों चीजों पे फोकस करता है। सो डेवलपमेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देता है। देयरफॉर डेवलपमेंट इज अ बेटर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर्ड टू ग्रोथ। अब इसके बारे में समझते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड, उसके पास इस जमीन का टुकड़ा है।
ठीक है। अब अगर ये फार्मर इस पीस ऑफ लैंड, सपोज कर लीजिए ये पीस ऑफ लैंड एक स्पेसिफिक स्क्वायर फीट, एक स्पेसिफिक यार्ड का है, ओके, इस पीस ऑफ लैंड पे वो फार्मर एवरी पर्टिकुलर ईयर 100 बैग्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है, 100 बोरे बनाता है गेहूं के। अब क्या किया उस फार्मर ने, उसने सेम इतनी साइज का अपना बाजू वाला जमीन और खरीद लिया, तो उसका अब लैंड साइज डबल हो गई, उसका पीस ऑफ लैंड डबल हो गया। डबल होने से अब वो साल के 200 बोरे बनाने लग गया, यानी कि 200 बैग्स ऑफ वीट वो प्रोड्यूस करने लग गया। पहले हाफ साइज थी तब वो 100 बनाता था, अब डबल होने पे वो 200 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रोथ। उसने कुछ नया नहीं किया, जमीन बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ गया, उसमें उस फार्मर ने क्या नया किया, कुछ नया नहीं किया, यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट हुआ है। एग्जाम्पल नंबर टू, उसके पास जमीन है यही छोटी वाली, हाफ वाली जमीन थी जो पहले थी, अभी तक वो 100 बैग्स प्रोड्यूस कर रहा है साल में, अब उसने क्या किया, इस जमीन पे ट्रैक्टर्स को यूज किया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया, इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया, SYV सीड्स को यूज किया, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को यूज किया। अब इसी जमीन पे उसने ये सारे टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन डबल करके 200 बैग्स का कर दिया। दिस इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है डेवलपमेंट, जब जमीन की साइज नहीं बढ़ी है सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ स्किल, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे कहा जाता है डेवलपमेंट। सही मायने में देश को डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ नहीं चाहिए। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनकी फाइट है ग्रोथ की, बट जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, हमारी फाइट है डेवलपमेंट की, हम चाहते हैं डेवलप होना। तो सही मायने में डेवलपमेंट इज बेटर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ग्रोथ। अगर मैं अकेला कमा रहा हूं आज मेरे परिवार में, और मैं अकेला 1,00,000 रुपए महीने के कमा रहा हूं, अब क्या हुआ, मेरा भाई भी हो गया कमाने लायक, वो भी नौकरी पे जाने लग गया, अब हम दोनों भाई मिलकर 2,00,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो क्या नया किया भैया, एक आदमी 1,00,000 कमा रहा था, 2 आदमी 2,00,000 कमा रहे, कोई नई बात नहीं है। पर अब क्या हुआ, मैंने नई टेक्निक्स ली, मैंने नई डिग्री ली, मैंने नया स्किल सीखा, और मैंने मेरी कमाई को 1,00,000 का 2,00,000 कर लिया, दैट इज डेवलपमेंट। तो याद रखना, डेवलपमेंट इज अ बेटर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ग्रोथ, याद रहेगा सबको। चलिए अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक बार के लिए नहीं होता है, डेवलपमेंट आपको बार बार लगातार कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, क्योंकि भैया जो आदमी समय के साथ बदलता नहीं है वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड वन, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी पे भी ध्यान देता है और क्वालिटी पे भी ध्यान देता है, डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान देता है, उसके लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट चेंज इन डिमांड देखता है कि इनकम बढ़ने से, लोगों की इनकम बढ़ने से क्या क्या चीजों की डिमांड बढ़ रही है, वो डेवलपमेंट फोकस करता है। डेवलपमेंट बहुत ही डायनामिक है, वो चाहता है कि लेबर डायनामिक बढ़े, मतलब लेबर स्किलफुल हो, वो ये नहीं चाहता कि नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़े, वो ये चाहता है कि जितने लेबरर्स हैं उनकी स्किल इंप्रूव हो, तो ट्रू फॉर्म में डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बिलीव करता है। एक ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल में फर्क होता है, ह्यूमन मतलब इंसान, ह्यूमन कैपिटल मतलब काम का इंसान। तो इंसान से काम का इंसान बनने के लिए हमें चाहिए हेल्थ, हमें चाहिए एडुकेशन, हमें चाहिए ट्रेनिंग, तो ये सारा काम डेवलपमेंट देखता है और इंसान को कैपिटल बनाने में मदद करता है। साथ ही में डेवलपमेंट खूब सारी टेक्नोलॉजी को यूज करता है और जिसके यूज से वो अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सो देयरफॉर एज आई सेड, डेवलपमेंट इज अ बेटर कॉन्सेप्ट देन ग्रोथ, राइट। चलिए अब लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, कोई काम का नहीं है, एक बार घुमा लेना। डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एग्जाम में बहुत बार आता है बच्चा लोग, इसलिए इसको 5 स्टार दे देता हूं मैं। बहुत बार एग्जाम में डेवलपमेंट और ग्रोथ का पूछा गया है, इसलिए ये अपना 5 स्टार आंसर है। सेम आपको वही लिखना है जो आपने पहले लिखा था। पहला, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जबकि ग्रोथ अकरेंस है। दूसरा, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान देता है जबकि ये सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देता है। तो आप अपने मन से थोड़ा बहुत लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने कहा था डेवलपमेंट का जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है, जबकि ग्रोथ जो होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है। फिर आपको डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट है, जबकि ग्रोथ आप इजीली मेजर कर सकते हो। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जबकि डेवलपिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक अच्छा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप ये चीजों को अपने आप लिख सकते हो, ये बहुत फटाफट हो सकता है। इट्स अ रैपिड प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो प्लीज गाइस ये सब याद कर लेना। एटलीस्ट मैं चाहूंगा 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कैसे पता चलेगा कि आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आज हमें ध्यान देना है। सबसे पहला इंडिकेटर होता है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। बट ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे इंडिकेटर्स अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा इनमें से कौन से इंडिकेटर्स अच्छे हैं, कौन से इंडिकेटर्स फुद्दू इंडिकेटर्स है। तो आई विल हेल्प विद एवरी पर्टिकुलर टॉपिक। तो वैसे कहने के लिए इंडिकेटर्स पांच है, बट सॉरी टू से ये पहले दो इंडिकेटर्स कचरा इंडिकेटर्स है, इनका कोई काम होता नहीं है। ये इंडिकेटर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ बताते हैं, डेवलपमेंट नहीं बताते हैं। इसके बाद वाले इंडिकेटर्स थोड़े बेटर इंडिकेटर्स है। तो चलिए पहले इनका नाम याद कर लीजिए। पहले का नाम है भैया ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा पर कैपिटा इनकम, तीसरा PQL दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, चौथा PQLI जिसका इंडेक्स बनता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और पांचवा HDI, ये सबसे लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, एग्जाम में यही आएगा, मैं आगे जाके इसकी रेटिंग दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ये सबसे पहला इंडिकेटर जो डेवलपमेंट बताता है। सबसे पहली बात बता दूं, ग्रोथ रेट कभी भी डेवलपमेंट नहीं बताता है, नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ बताता है। मतलब अगर आपकी कंट्री की इनकम पहले 100 रुपए थी, अब अगर आपकी कंट्री की इनकम 120 हो गई, तो आप ये कहेंगे कि मेरी कंट्री डेवलप हो रही है? नहीं भैया, आप कहेंगे मेरी कंट्री ग्रो हो रही है, क्योंकि आपकी टोटल कंट्री की इनकम बढ़ी है। बट ये इनकम के साथ साथ अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो क्या फायदे का, राइट? तो अगर इनकम के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो कोई फायदे का होता नहीं है। फॉर